मुताबिक भारत में बेरोजगारी की रिकॉर्ड दर 27.1% पर पहुंच गई। भारत की बेरोजगारी दर। पापा आपने दवाई ले ली? हाँ ले ली। पापा आपने बताया ही नहीं, मैं भी ऑर्डर करता हूँ। आज से 9 दवाई, बीपी और डायबिटीज की सारी दवाइयाँ बंद। बच्चों की तरह क्यों बात कर रहे हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा, अब मुझे दवाई की कोई जरूरत नहीं है। ये देखो, कम ऑन पापा। ये देखो पापा, बस भी कीजिए ना, मान लिया हम दोनों ने। प्लीज इट्स इनफ। पापा स्टॉप इट ना। पापा क्या हो गया आपको, आखिर बात क्या है? बेटा मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता हूँ। घर की EMI, कार की EMI, बच्चों की स्कूल की फीस, और ये तुम्हारा वर्क फ्रॉम होम, और फिर सैलरी भी डिले, ऊपर से मेरी दवाई का खर्चा, इसे तो अच्छा क्या मैं। पापा याद है बचपन में जब मैं बहुत लंबे समय के लिए बीमार रहा था, उस वक्त क्या आपने मेरी दवाई के खर्चे के बारे में कुछ सोचा था? तो फिर ऐसे कई परिवार हैं जो अपनी आर्थिक स्थिति के कारण दिल और डायबिटीज की महंगी दवाइयों का खर्चा उठा नहीं पाते। हमारी उनसे दरख्वास्त है कि वो अपनी दवाइयां लेना बंद ना करें, अपने डॉक्टर से सलाह ले और ब्लू क्रॉस लैबोरेटरीज की दवाई अपनाएं। हमारी बनाई हुई कार्डियोवैस्कुलर और डायबिटिक मेडिसिन दूसरे ब्रांड से लगभग 60% कम दाम में उपलब्ध है। वही काम कम दाम, क्योंकि हमारे लिए आपकी जिंदगी कीमती है, दवाई नहीं। नमस्कार, आप सब जानते हैं देश इस वक्त किन हालातों से गुजर रहा है। हर नागरिक को इस वक्त आर्थिक परेशानी उठानी पड़ रही है। ये देखा गया है कि आर्थिक तंगी में ज्यादातर डायबिटीज और हार्ट पेशेंट्स दवाई महंगी होने के कारण उनका सेवन छोड़ देते हैं। हमारी हर डॉक्टर से ये गुजारिश है कि आप अपने पेशेंट्स को ब्लू क्रॉस लैबोरेटरीज की दवाई प्रेस्क्राइब करें, जिसमें उनकी भलाई है। धन्यवाद। जय हिंद।